साथियों नमस्कार, पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखते हैं शत्रु के घर में बैठे ग्रहों के फल। शत्रु के घर में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो उसके फल क्या होते हैं, थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किस ग्रह के कौन से ग्रह जो होते हैं शत्रु होते हैं। जैसे देखें, सूर्य जो है सूर्य के शत्रु शनि और राहु शुक्र, ये शत्रु ग्रह होते हैं। चंद्र के जो है शत्रुता राहु से सिर्फ है, अन्य ग्रहों से नहीं है। मंगल की शत्रुता बुध और राहु से है। बुध की शत्रुता चंद्रमा से मात्र है। हालांकि चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानते हैं, परंतु बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। गुरु बुध और शुक्र से शत्रुता रखते हैं। शुक्र जो है सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। शनि सूर्य चंद्रमा और मंगल से शत्रुता रखते हैं। राहु जो है सूर्य चंद्र और मंगल से शत्रुता रखते हैं। केतु भी सूर्य चंद्र और मंगल से शत्रुता रखते हैं। ये हमें याद कर लेनी चाहिए ताकि हमें समझने में परेशानी न होगी। अब आगे चलते हैं कि यदि कोई भी ग्रह अपने शत्रु के घर में बैठा हुआ हो तो उसके क्या फल होते हैं। कोई भी ग्रह यदि अपने से शत्रु के घर में बैठा हुआ हो तो उसके फल समझें इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सूर्य यदि शत्रु क्षेत्री हो, शत्रु के घर में बैठा हुआ हो, ऐसी स्थिति में उसे हम कहेंगे कि वह व्यक्ति को दुखी बनाता है, नौकरी करने वाला बनाता है। चंद्रमा यदि अपने से शत्रु घर में बैठे हुए हैं तो माता को दुखी हो से दुखी रहता है, वह व्यक्ति हृदय का रोगी होता है, इस प्रकार हमें बताना चाहिए। यदि बुध जो है मंगल जो है अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हो तो वह व्यक्ति को विकलांग बनाता है, व्याकुल प्रवृत्ति रहने वाला बनाता है, उसे व्याकुलता देता है, दिन मलिन बना देता है। बुध यदि अपने से शत्रु के घर में बैठा हुआ हो तो वह व्यक्ति वासना से युक्त साधारण सुखी कर्तव्यहीन हो जाता है। गुरु यदि अपने से शत्रु के घर में बैठा हुआ हो तो वह व्यक्ति को भाग्यवान और चतुर बना देता है। शुक्र जो है अपने से यदि शत्रु के घर में बैठे हुए हों तो नौकर दास प्रवृत्ति का और दास प्रवृत्ति से जीवन बिताने वाला बना देता है। शनि यदि शत्रु के घर में बैठा हुआ हो तो जातक को दुखी बना देता है, उसे दुख जीवन में प्राप्त होता है, ऐसा हमें फलादेश में बताना चाहिए। इस प्रकार हमें शत्रु ग्रह के घर में बैठे ग्रहों के फल के बारे में बताना चाहिए। इसलिए मैंने प्रत्येक ग्रहों के अनुसार बारी बारी से बताने की कोशिश किया ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ सकें। यानी यह हमेशा ध्यान रखें कि सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि जो होते हैं ये अपने से शत्रु घर में यदि बैठते हैं तो उसके फल क्या देते हैं जातक को, जातक के जीवन में क्या उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमें जानकारी कर लेनी अति आवश्यक है ताकि कुंडली के अध्ययन के समय या फलादेश करते समय हम उसका जातक को पूरी अच्छी तरह से और विस्तृत रूप से उसे समझा सकें तथा उसे फलादेश कर सकें। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।